देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार का सेशन भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। जहां एक तरफ कुछ समय पहले ही देश में राज्यों ने एक एक कर स्कूलों को खोलने के फैसले लिए थे, तो वहीं अब फिर उन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन कई जगहों पर सरकार के आदेश होने के बावजूद स्कूल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए हैं। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए स्कूल प्रबंधक छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं और इन्हीं इलाकों में तैनात सिपाही महज मूक दर्शक बन सब कुछ यूं ही देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर यूपी सरकार ने 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। सूबे में अब फिर 1000 से करीब नए केसेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अमेठी के निजी स्कूल सरकार के किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो स्कूल बंद होने के आदेश के बावजूद गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब एक बार इन तस्वीरों को देखिए। ये नन्हे मुन्ने करीब 1 साल के बाद अपनी कक्षाओं की शक्ल देख रहे हैं। प्रमोशन के साथ ही इन नन्हे मुन्नों को स्कूल की तरफ से नई किताबें और नए बस्ते दिए गए थे, लेकिन मास्क शायद से स्कूल वो इन्हें देना भूल गया। अब इसे इत्तफाक कहा जाए या फिर लापरवाही, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल साहब तो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। सर, जो विद्यालय के मुख्यमंत्री का आदेश जो आ गया है, हम लोग मानने की तैयारी हो रहे हैं। इसके अलावा मानना आदेश जो है हमारे लिए बहुत कठिनाई हो गया है। बच्चों को एडमिशन चल रहा है इसमें, इसके बाद भी हम जो है प्रताड़ित हुए हैं। 1.5 साल हो गया विद्यालय बंद हुए। 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद किए गए थे। COVID-19 को लेकर बच्चों को ज्यादा हिदायतें दी जा रही है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं की आपने स्कूल में? सर, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई व्यवस्था की गई है, मास्क बच्चे लगाए हैं और बच्चों के भविष्य को देखते हुए सर इस हर बार प्रमोशन नहीं किया आज तक। आप शासन के आदेशों को नहीं मान रहे सर? अभी तो है, आज से जो है आपने देखा, आज ही मैंने विद्यालय खोला, आज 8 दिन से बंद था विद्यालय। अमेठी में गौरीगंज मुख्यालय के पास मौजूद गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान की ये तस्वीरें अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने पवन मौर्य के साथ ली है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल सर ने साफ कहा कि हम हर साल किसी बच्चे को यूं ही प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और तो और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरा स्कूल करीब 1 साल से बंद था, अब जाकर हमने स्कूल खोला है। प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जा रहा है, लेकिन फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने उपजिलाधिकारी संजीव कुमार मौर्य से भी इस मामले की जानकारी ली। इस संबंध में अभी जस्ट सूचना मिली है कि कुछ विद्यालय जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें BSA को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जाँच कराकर और स्कूल बंद कराएं और सरकार के नियमों का और निर्देशों का पालन करें। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इन स्कूलों में पैसे की अहमियत बच्चों की जान से भी ज्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना काल में भी इन्हीं निजी स्कूलों ने बच्चों की फीस को लेकर इतने सारे हथकंडे अपना लिए और अब तो हद ही पार हो गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।